राजगढ़ के जीरापुर थाना क्षेत्र में वन उपज तस्करी करने के लिए खैर की लकड़ी का अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे, जिन्हें जीरापुर की पुलिस टीम की मुस्तैदी से धर दबोचा गया। आरोपी से भारी मात्रा में वन उपज खैर की लकड़ी जब्त की गई। पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा, जिसे चेक करने पर उस ट्रक में करीबन 13 टन खैर की लकड़ी भरी मिली। वाहन चालक से दस्तावेज के बारे में पूछताछ करने पर उसके द्वारा वन उपज के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए। खैर की लकड़ी मुख्य वन उत्पाद है, जिससे कत्था बनाया जाता है। संभवतः ये खैर की लकड़ी चोरी करके तस्करी के रूप में लाई जा रही थी। कल जीरापुर थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जो मुख्य सूचना प्राप्त हुई थी कि छापेड़ा तरफ से ट्रक आ रहा है, जिसमें करीबन 13 टन खैर की लकड़ियां भरी हुई हैं। सूचना पर विश्वास कर जीरापुर थाने की पुलिस ने दबिश दी है और ट्रक चालक को माल सहित ट्रक से पकड़ लिया है। इसमें करीबन 13 टन खैर की लकड़ियां हैं और ट्रक चालक नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुंदर कुमार पिता नन्नू नाम हरिजन बताया, जो कि हरियाणा राज्य के मेवात जिले का है। आरोपी से खेल की लकड़ी से उन्हें दस्तावेज मांगे गए, कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे थाना जीरापुर पुलिस ने धारा 102 जाफ्ता फौजदारी और 379 भादवी में ट्रक को माल सहित जब्त किया है, जिसकी कीमत करीबन 8.5 लाख रुपए है। राजगढ़ जीरापुर से दीपक पाल की रिपोर्ट।